हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललित। आप देख रहे हैं टेक गोविंद यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि पैरासोनिक का MDH2 वीडियो कैमरा है उसके बारे में। अगर आपके पास MDH2 वीडियो कैमरा है तो आप इसे रीसेट किस तरीके से कर सकते हो, इसकी जो सेटिंग है उसे रीसेट किस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप ये जानते हैं कि पैरासोनिक का MDH2 वीडियो कैमरे को रीसेट किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आ जाते हैं अपने जो पैरासोनिक का कैमरा है उसकी स्क्रीन पे। आप देख सकते हो ये है पैरासोनिक का MDH2 वीडियो कैमरा। तो सबसे पहले मैं अपने जो कैमरे को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कैमरा है जो ऑन हो चुका है। उसके बाद मैं आपको जो स्क्रीन है उसकी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो मेन्यू वाला बटन दिख रहा है इसको एक बार आपको प्रेस कर देना है। मैंने ये एक बार प्रेस कर दिया है तो यहाँ पे मैं आपको जो स्क्रीन पे है वो दिखाने वाला हूँ। तो मैंने जो मेन्यू वाला बटन है वो एक बार प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपकी जो कैमरा सेटिंग है वो इस तरीके से आपके सामने दिखाई देंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अदर फंक्शन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट मीडिया, मीडिया स्टेटस, ये आपके ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना है इस बटन से और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाले ऑप्शन पे इनिशियल सेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये पूछेगा रिटर्न ऑल मेन्यू सेटिंग्स टू देयर इनिशियल सेटिंग्स, ओके। तो कंटिन्यू आपको यस कर देना है। यस करने के बाद इसकी जो सेटिंग है वो जैसे कि रीसेट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो तो आपका जो कैमरा है वो रीसेट हो चुका है। तो इस तरीके से जो आपका MDH2 वीडियो कैमरा है पैरासोनिक का, उसे आप रीसेट कर सकते हो। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।